जमेरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं आप। चुनाव जीते हुए साल भर हो चुका है, आपके पंचायत में चुनाव से पहले बहुत बहुत समस्याएं थी। आपका गांव डिजिटल गांव है, उन समस्याओं में पहली प्राथमिकता के तहत आप क्या अपने पंचायत में करवा रहे हैं? देखिए, आपको चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चैनल के माध्यम से पूरे ग्रामवास में, मेरा जितना पंचायत में है बर बुजुर्ग सबको नमस्कार है। ये मेरा लक्ष्य है, जहाँ तक रह गया विकास के कार्य के संबंध में, तो जितना वादा किए हैं इतना आजो करें उसको पूरा करेंगे। जितना मेरा साथ काम के लिए बोले थे बढ़ चढ़ करके, वो मेरा ऐसा नियत नहीं है कि हम बोल दिए काल आज नहीं करेंगे। जितना मेरा गांव में विवाद भी रूट था, मेरा लक्ष्य था किसी तरह हम उसको अच्छा बनाएं। विवाद के चलते किसी रोड नहीं बन रहा था, किसी नाला के समस्या था, किसी पानी के समस्या का लमसम अधिक से अधिक वो दूरी कर दिए, 95% वो समस्या के हल कर दिए। थोड़ा बहुत रह गया है, थोड़ा बहुत दीवारी और रोड वो भी बन के कम्प्लीट हो जाएगा। अभी कौन कौन योजना के तहत और कहाँ कहाँ काम हुआ है? अभी तक ले तो मैं 40 को काम करा चुकी हूँ रोली नाली के। तो काम में क्या मतलब कि गुणवत्ता पूर्वक काम हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर काम तो आप स्वयं अपने देख रेख में करवाए? अपने देख रेख में टोटल काम कराते हैं, जब तक किसी पर देखते नहीं है, जैसे कि मेरा अच्छा से मतलब है काम से। पंचायत सरकार काम के लिए सब जनता वोट दिए हैं तो हम काम। पंचायत सरकार भवन का जो मुख्य गेट था काफी लंबे समय से बंद था, फिर उसे हटा कर नया, तो पंचायत सरकार भवन में कब से पूरी तरीके से चलना शुरू हो जाएगा? टीपीएस कंट्री जो चीजें हैं देखिए, उसको लागे हैं अभी तक लगता वो पीछे से रिपोर्ट उसका नहीं आया था या अभी नहीं। हम कोई विभागीय पैसा क्रम उसमें खर्चा किए हैं, वो जो भी करिए अभी अपना घर से लगाए हैं, निजी कोशा से अभी करके उसको ठीक ठाक करवा रहे हैं। नीचे बहुत जमा लगा था पहले, तो जो आपके यहाँ जो जल जमाव की समस्या थी, कई जल जमाव की समस्या के लेके काम हो रहा है सब गली नली का, जगह जगह से कहाँ से देख रहे हैं कि मैं वोट करेंगे कि आगे चल करके जल समस्या के दूर होए। कई जगह जमीन आपके यहाँ नीचे है, वहाँ जल भर जाता है, तो उसे भराव भी किया जा रहा है क्या? हाँ, उसको जल भराव भर करके पहले भी वादा किए थे, आप भी देखे होंगे पहले कि इतना कीचड़ में जाते थे घुस घर के आदमी, वो सारा जितना दिखाए हैं आपको, जितना बोले हैं पहले भी ईंटा गिराए थे जो पूर्व में वो घरी मेरी पत्नी मुखिया नहीं थी, आज वो रोड चकाचक कर रहा है, जा करके देखिएगा तो एकदम चकाचक है, ढलाई वलाई हो करके सब टोटल कंप्लीट हो गया। अभी जो किसान भाइयों के लिए पानी उनी की जो समस्या थी, किसान के लिए चेक डैम की व्यवस्था करें कि पानी की कहीं रुकावट हो, किसान के लिए उनके काम हो और फायदामंद होके उसको चेक डैम जगह जगह पर दिए हैं। अभी कुछ बना हुआ है वो अभी उसमें दे रहे हैं, 9-10 दिए हैं चेक डैम के, नदी का घेराव कर करके उसमें पानी का ठहराव रहे कम से कम के पटवन उटवन के लिए काम करें। और किन किन योजनाएं हैं जिन्हें आप और अच्छे तरीके से करना चाहते हो, क्योंकि लगता हो कि ये जरूरी है, उसी हिसाब से कार्य हो रहा है? देखिए, अभी स्पीडी लाइट के रह गया है तो अभी काम चल रहा है, 22-23-24 का योजना में ले लिए हैं जी, उसका योजना दे रहे हैं। 23-24 में 4 वार्ड में लगेंगे स्पीडी लाइट, कैसे कि चर्चा वार्ड करके बजट जैसे सरकार के बजट आता है उसी अनुसार काम होता है। तो पंचायत में जो आप अभी कुछ विद्यालय हैं जिसके भवन बाउंड्री वगैरह नहीं है, उनके लिए कुछ भी है क्या? हाँ, देखिए बाउंड्री के लिए पहले भी बोले हैं कि शिक्षा में कोई बदलाव एकदम आएगा, उसमें कोई मरवत नहीं होगा। हम अभी फर्स्ट में पहले से योजना हुआ डाला हुआ था उसमें काम कर रहे थे, अभी नया में स्कूल को योजना डाले हैं, स्कूल का बाउंड्री होगा, चरद्वारी होगा, उसको पार्क टाइप के बनाया जाएगा, पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभी छोड़े हैं सब, मार्च बाद बोले हैं कि मार्च बाद टोटल कंप्लीट हो जाएगा और स्कूल का विधि व्यवस्था टच हो जाएगा। एक मेरा वहाँ हाई स्कूल है उसको हम लगे हैं, वो भी जुड़ रहा है संस्था से। आपके पंचायत में बहुत ऐतिहासिक जगह है जहाँ गांधी जी भी आए हुए हैं और यहाँ जहाँ जमीरा कोठी है, कई चीज़ें हैं, तो उन ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए कुछ प्रयास व्यास करेंगे आप लोग? देखिए, मेरा पहले से भी गांव सम्मानित गांव है, यहाँ गांधी जी भी आए थे, उसको नाम था गांधी चाफा जी, वहाँ लोग लिप के बस्ती है, वहाँ भी आए थे गांधी जी, जैसे कैसे था राम सेवरी के पास गए थे सेवरी आए थे उसी तरह ठीक, वहाँ वहाँ भी दलित लोग का मुसर जाति के लोग रहते हैं, बसे हुए हैं लोग।
वही गांधी जी आए थे, वही गांधी चौथा नाम हुआ था, आज वो बरकरार है। तो महादलित बस्ती के लोगों के लिए कुछ विशेष हो रहा है? हाँ, वहाँ रोड रोड ढलाई उलाई है, नाला उला जो आगा में कीचड़ था जी, गुरुवार के हरदम भी जुर्म देखे होंगे, वो टोटल कंप्लीट कर दिया, वहाँ एकदम बिछा करके गमछा सो रहेगा आदमी, क्योंकि पूरा नल जल के तहत तो हर गली पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, जितना टूटा फटा हुआ है मरम्मती वो कर रहे हैं अभी तक, नल जल का जितना है और जितना बजट है, जितना बजट के अनुसार काम हो रहा है, जब जस बजट आ रहा है वैसे सो रहा है, अभी तो अपने भी से पूर्ण रूप से अपने से पैसा लगा के अपना निजी कोसा से अपने तरफ से ही लगा करके कुछ रोड ने बनवाए हैं 5-7 गो जो निजी खर्च से डाल करके अभी पर काम चल रहा है।